ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। अचार ये समथिंग भीग चुका है गाइस, भीगने के बाद इसको दो तीन पानी से धो लेंगे। और इसमें राजमा भी बनाने के लिए गाइस मैंने जो सामग्री ली है वो मैंने ली है धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, टर्मरिक पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, और मैंने लिया है एक आलू कच्चा छील के इसके दो पीस कर लिए हैं, और लहसुन और प्याज की कलियाँ ली हैं। और प्याज को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे आकार में काट लिया, चाहे आप किसी भी लेवल में काट सकते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करना है इसको। और लहसुन की चार कली लेनी है और तेज़पात के पत्ते, और लिया है मैंने टमाटर के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, तीन टमाटर समथिंग मैंने लिया है, इसको बारीक काट लिया है, इसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। प्याज लहसुन को मिक्सी में अलग से ग्राइंड कर लेंगे पहले। तो राजमा परफेक्ट भीग चुका है, अब इसको बॉयल करने के लिए प्रोसेस आप पूरा देखिए, आप फटाफट इसको बॉयल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको दो तीन पानी से धो लेंगे। तो गाइस राजमा को धोने के बाद मैंने कुकर में डाल लिए हैं राजमा को, और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें आपको जल्दी बॉयल करना है तो इसमें मैंने लिया है एक चुटकी आधा टीस्पून से कम थोड़ा सा बेकिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा ना हो तो आप सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने मीठा सोडा लिया है, मीठा सोडा नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। तो एक चुटकी पड़ना समथिंग मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें डालेंगे दो गिलास पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे, गैस को ऑन करेंगे और इस पर कुकर रख देंगे। वही कुकर को गैस के ऊपर रख देंगे और इसमें 5 सीटी लगाएंगे, और जब भी 5 सीटी लगाने के बाद ये बॉयल हो जाएगा, और इसको तुरंत नहीं खोलना है, इसको समथिंग 15 मिनट के बाद ही इसको खोलिएगा। तो गैस मिलते हैं 15 मिनट के बाद, सीटी आने का इंतजार करते हैं। तो गाइस प्याज लहसुन के पेस्ट को इस तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, आप चाहें तो इसमें अदरक भी ले सकते हैं, मैंने अदरक नहीं लिया है। और इसी मिक्सी के जार में टमाटर को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। मसाले परफेक्ट तैयार हैं, मसाले स्वाद अनुसार जो नमक लिया है, टर्मरिक पाउडर, जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इसको बड़े से एक बर्तन लेंगे, कटोरा, एक बॉल ले लेंगे और बॉल में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अभी नमक नहीं डालना है इसमें, और ये टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून से कम गरम मसाला। तो ये गाइस इसमें डाल दिए हैं, और जीरे को नहीं डालना है, जीरा को बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसमें डालेंगे गाइस आधा कप पानी। इस तरीके से गाइस प्रोसेस से बनाएंगे आप राजमा तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा। तो इसको पानी में भिगो देंगे, और भीगने के बाद ये बन जाता है ताज़ा मसाला। आप चाहें तो सिलबट्टे से पीसते हैं, मगर आप आजकल सिलबट्टे से तो पीसते नहीं हैं हल्दी, मिर्चा, धनिया। अब ये अगर सिलबट्टे से पीसे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। तो गाइस ये पीसे हुए जो मसाले थे इस तरीके से पानी में मैंने भिगो दिए हैं। अब इसको 5 मिनट तक इसको रख देंगे, मसालों को देंगे ढक। तो गाइस राजमा बॉयल हो चुका है, इसको मैंने कुकर के ढक्कन को हटा दिए हैं, और इसमें मैंने 5 सीटी लगाई थी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि परफेक्ट बॉयल हो गया है कि नहीं, तो इसको दबा के देख लेंगे। तो ये राजमा इस तरीके से बॉयल हो चुका है, अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजमा परफेक्ट बॉयल हो गया है। तो गाइस ये है बॉयल किया हुआ राजमा। तो बॉयल किया हुआ राजमा आप देख सकते हैं इस तरीके से गाइस आप बॉयल करिए, और इस तरीके से परफेक्ट बॉयल हो जाता है। अब इसको दबा लेंगे, और दबाने के बाद इसको दो तीन राजमे को इस तरीके से फोल्ड लेंगे। जो इस तरीके से जब फोल्ड लेंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से थोड़े से राजमे को मैं इस तरीके से फोल्ड ले रही हूँ, ताकि इसकी रसा अच्छे से परफेक्ट तैयार हो और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। अब चावल से खाइएगा चाहे रोटी से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, पूरी वीडियो देखिएगा तो लगेगा कि हाँ इस तरीके से राजमा बनाते हैं। अब चलते हैं वापस गैस की तरफ, गैस को ऑन करेंगे और वापस कुकर इसमें रखेंगे। और कुकर में राजमा मैंने निकाल लिया है, वही कुकर में ही राजमा को छौंक लेंगे। और छौंकने के लिए क्या करेंगे, कुकर तो गर्म हो गया है, एक चम्मच ऑयल लेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, और जो मैंने लिया है गाइस जीरा, तो इसमें जीरा डाल देंगे, एक चुटकी जीरा। जीरा को गर्म करेंगे। अब जो मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट लिया है वो इसमें डाल देंगे, इसे ढक देंगे ताकि ये चूहों की चिकन ऊपर ना जा पाए। मसाले को अच्छे से भिगो लिए हैं, भिगोने तब तक कि वो भीग चुके हैं। अब ये जो है लहसुन प्याज के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे, गुलाबी होने तक का इंतजार करेंगे। इस तरीके से आप इस तरीके का प्याज लहसुन का पेस्ट इस तरीके से गुलाबी हो गया है, भुन गया है अच्छे से। और भुनने के बाद इसमें जो मैंने मसाला जो भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे,
से भून लेंगे। जितना अच्छे से भुनेंगे उतने बढ़िया आपका राजमा परफेक्ट बनके तैयार होगा। और जो बॉल में मसाले जो डाले थे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और घी डाल देंगे। जो मैंने नमक लिया था स्वाद अनुसार, अब इसमें नमक और ये सारा जो बचा हुआ है वो डाल देंगे। तो स्वाद अनुसार पहले जो नमक डाला था और फिर बाद में, तो उसी के हिसाब से आप डालिए, क्योंकि बॉयल करते समय भी मैंने इसमें नमक का डाला था। इसमें डाल देंगे तेज़पात के पत्ते, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है वैसे, और कलर भी बहुत अच्छा आता है। कलर के लिए आप कश्मीरी मिर्च होती है वो डाल सकते हैं। जो मैंने एक आलू लिया था वो इसको आलू डाल देंगे। टमाटर को जो मिक्सी में ग्राइंड किया था वो टमाटर डाल देंगे। अब इसकी ग्रेवी पत्तर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। आलू का इसलिए डाला है कि अगर मान लो राजमा कोई नहीं खाता है तो आलू दे सकते हैं बच्चों के लिए, तो मैंने एक आलू डाला है। और इस तरीके से आलू डालने से ग्रेवी अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो इस तरीके से मसाला आप देख सकते हैं कि ये भून गया है, और इसकी जो चीज़ें होती हैं जो ऊपर आ रही हैं आप देख सकते हैं कि चीटें आ रही हैं। तो ये 5 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है, और भूनने के बाद इसका तेल आप देख सकते हैं कि ऊपर आ जाता है, लग रहा है ना टेस्टी। तो मसाला अच्छे से भून जाएंगे। और जो बॉयल किया हुआ जो मैंने राजमा लिया है तो वो राजमा इसमें डाल देंगे। पानी को अगर फेंकना नहीं है, राजमा के जो बॉयल किया था पानी उसमें टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा, तो पानी को सहित इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 1 गिलास पानी, इस तरीके से 2 गिलास समथिंग मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो रसा अगर अपने हिसाब से रख सकते हैं कि अगर आपको चावल से साथ खाने के लिए थोड़ा सा पतला रसा चाहिए हो या गाढ़ा रसा चाहिए हो, जिस तरीके से अवेलेबल आपको लगे तो उस तरीके से आप डालिएगा। और मैंने 2 गिलास समथिंग पानी डाला है, ये परफेक्ट इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है, कलर आया है। अब इसको वापस फिर डाल देंगे और इसमें लगाएंगे सीटी। तो इसमें सीटी लगाने के लिए अब इसमें लगाएंगे 2 सीटी, पहले समथिंग 5 लगाई थी अब इसमें लगाएंगे 2 सीटी। तो अगर मिलते हैं 5 सीटी आ जाने के बाद, तो ये बन रहा है चटपटा मसालेदार राजमा। मिलते हैं गाइस 15 मिनट के बाद। सो गाइस 2 सीटी आ चुकी हैं और ये इसकी गैस भी निकल गई है, और फिर 15 मिनट बाद कुकर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद अब इस कुकर को खोलेंगे, अब देखेंगे मसालेदार चटपटा राजमा कैसा बनके तैयार हुआ है। तो सो गाइस आप देख सकते हैं कि राजमा परफेक्ट बन गया है चटपटा मसालेदार। इसको सर्व कर लेते हैं। और जो मैंने एक आलू डाला है वो आप देख सकते हैं कि आलू भी परफेक्ट बनके तैयार हो गया। तो वैसे और ये रहा राजमा। तो राजमा की ग्रेवी अच्छे से कुक गाढ़ी होने के लिए क्या करेंगे, थोड़े से राजमा को इस तरीके से कर लेंगे, चमचे में ले लेंगे और एक चम्मच की सहायता से इसको दबा दबा कर फोड़ लेंगे। जितना अच्छे से फोड़ेंगे और ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अगर रसा पतला भी होगा तो इस तरीके से जब फोड़ लेंगे रसा गाढ़ा हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेगा। इस तरीके से फोड़ लिए हैं, अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको गाइस सर्व कर लेते हैं, राजमा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो गाइस ये रही चटपटी मसालेदार राजमा की रेसिपी, और इस तरीके से राजमा आप बनाइएगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इसको चाहे तो आप रोटी से खाइएगा या चावल से खाइएगा, और आलू अगर आपको पसंद है तो आलू से खाइएगा, वरना आलू बच्चों के लिए दे दीजिएगा या खुद खाइएगा, जो भी जिसको पसंद होगा। ऐसे आलू मुझको पसंद है तो मैं तो आलू खाऊंगी, और राजमा थोड़ा कम पसंद है। तो इस तरीके से राजमा बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और ये चटपटा मसालेदार राजमा। तो गाइस आपको राजमा की रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरीके से और इसके बाद डेकोरेशन के लिए आप धनिया, हरा धनिया अवेलेबल हो तो आप हरा धनिया इसके ऊपर डाल सकते हैं, बहुत उससे भी बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। और ये तरीके से राजमा बनके तैयार हो गया है, और चटपट खाइएगा रोटी राजमा चावल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।